आज इस वीडियो में हम चाणक्य और उनकी कुछ नीतियों के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। आज से करीबन 2300 साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट मतलब सिकंदर एक के बाद एक कई देशों को जीतता हुआ भारत की तरफ बढ़ रहा था। उस समय ग्रीस, यूरोप के कुछ देश मिस्र और ईरान ऑलरेडी सिकंदर के कब्जे में आ चुके थे एंड इसके बाद सिकंदर की नजर भारत पे थी। ये तब की बात है जब चाणक्य, जिन्हें की कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक आचार्य मतलब गुरु थे। शायद आपको पता होगा कि तक्षशिला आज पाकिस्तान में पढ़ने वाले पंजाब के रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन करीबन 2300 साल पहले तक्षशिला ही पूरे विश्व के लिए अध्ययन और अध्यापन का एक केंद्र हुआ करता था एंड चाणक्य इसी विश्वविद्यालय के सबसे प्रभावशाली गुरु माने जाते थे। अब सिकंदर भारत पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ चुका था और अपने मंसूबे में सफल होने के लिए मतलब भारत पर कब्जा करने के लिए सिकंदर के रास्ते में पड़ने वाला तब भारत का सबसे पहला राज्य था गांधार, जिसमें आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ इलाके आते हैं। अब सबसे ज्यादा दुख की बात ये थी कि राजा आम्बी, जो उस समय गांधार के राजा थे, वो सिकंदर से इतना डर गए कि उन्होंने बिना युद्ध किए बस यूं ही सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए और अपना साम्राज्य सिकंदर को सौंप दिया। लेकिन जैसे इस बात की खबर चाणक्य को पता चली तो वो बहुत निराश हुए। उन्हें समझ आ गया कि भारत को आज सिकंदर और कल किसी दूसरे अंग्रेजी शासक से बचाने के लिए एक अखंड साम्राज्य स्थापित करना जरूरी है। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना करी जो छोटे छोटे राज्यों में बटा ना रहे बल्कि विश्व का एक सबसे विशाल अखंड साम्राज्य हो। अब एक तरफ सिकंदर अपने मंसूबों में आगे बढ़ते जा रहा था तो वहीं चाणक्य ने भी भारत को एक अखंड विशाल साम्राज्य बनाने की अपनी कल्पना पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी दौरान चाणक्य के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी इस कल्पना को एक नया रूप मिल गया और भारत को एक अखंड साम्राज्य बनाने की उनकी वो कल्पना और भी ज्यादा दृढ़ हो गई। दरअसल उस दौरान भारत में कुछ मुख्य साम्राज्य हुआ करते थे, जिनमें से कुछ प्रमुख साम्राज्य थे काशी, अंग, मगध, कुरु, शूरसेना और भी कुछ दूसरे छोटे साम्राज्य। लेकिन इन सभी साम्राज्यों में से सबसे बड़ी सेना थी मगध के पास और चाणक्य के नजरिए से भी उस समय सिकंदर को हराने की क्षमता अगर किसी साम्राज्य में थी तो वो साम्राज्य था मगध। मगध आज के पटना और गया का इलाका है और उस दौरान मगध की सीमा गंगा से यमुना यानी मथुरा तक फैली हुई थी और उस समय मगध के सिंहासन पे बैठा था नंद वंश का शासक धनानंद। चाणक्य ने सोचा कि अगर सिकंदर को हराना है तो धनानंद की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। बस यही सोचकर वो धनानंद से मदद मांगने मगध की ओर निकल पड़े। लेकिन मगध में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस कहानी ने एक अलग ही रूप ले लिया। चाणक्य ने देखा कि मगध में हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ था। मगध का राजा धनानंद अपने सुख और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने ही राज्य के लोगों पर खूब अत्याचार करता था और उनसे मनमाना कर्ज वसूला करता था। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। मगध पहुंचकर जब चाणक्य धनानंद से उसके दरबार में मिले तो धनानंद ने भरी सभा के सामने चाणक्य का खूब अपमान किया और अपने सैनिकों को कहा कि चाणक्य को उठाकर मेरी सभा से बाहर फेंक दो। सोचो धनानंद ने ऐसा क्यों किया होगा। जब किसी भ्रष्ट आदमी को आप उसकी गलतियां और उसके पाप गिनाते हो तो वो अपनी गलतियां मानने के बजाय आपको अपना दुश्मन समझने लगता है। चाणक्य के साथ हुए इस दुर्व्यवहार की वजह भी यही थी और यही वो पल था, यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आगे जाकर चाणक्य ने मगध का नक्शा ही बदल कर रख डाला। उसी दिन उसी सभा में चाणक्य ने कसम खा ली कि जब तक वो धनानंद को बर्बाद करके मगध का कायापलट नहीं कर देंगे तब तक वो अपनी शिखा नहीं बांधेंगे और अपनी बुद्धि और नीतियों की मदद से उन्होंने अपना ये प्रण कुछ ही समय बाद पूरा भी कर डाला। ये सोचने की बात है कि चाणक्य कोई योद्धा या राजा नहीं थे, ना ही उनके पास कोई बड़ी सेना थी, पर फिर भी उन्होंने सिर्फ अपनी कुछ खास नीतियों और बुद्धि के बल पर सिकंदर को चुनौती भी दी और मगध जैसी बड़ी सेना पर राज करने वाले धनानंद को हरा कर एक नया साम्राज्य भी स्थापित कर डाला। पर यह सब चाणक्य ने अकेले नहीं किया था, उन्होंने तो बस अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था और एक चक्रवर्ती सम्राट को इस युद्ध के लिए तैयार किया था। इस चक्रवर्ती सम्राट का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ ऐसी नीतियां समझाई जिनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक के बाद एक कई युद्ध लड़े, उन्हें जीता और अंत में मगध को भी जीत कर मगध को सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा और अखंड साम्राज्य बना डाला। एंड दोस्तों, चाणक्य ने जो नीतियां आज से लगभग 2300 साल पहले लिखी थी वो सभी नीतियां आज भी उतनी ही प्रसिद्ध हैं। और अब हम चाणक्य की बताई हुई उन्हीं कुछ लाइफ से रिलेटेड नीतियों के बारे में बात करने वाले हैं। लेसन नंबर 1,
किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से ये तीन सवाल जरूर पूछो। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इस काम का रिजल्ट क्या हो सकता है और क्या मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा। जब आप इन सवालों के जवाब ठीक से सोच पाओ और जब आप पूरी तरह अपने उन जवाबों से सेटिस्फाइड फील करो, सिर्फ तभी उस काम को करना चाहिए। सोचो ये लेसन जरूरी क्यों है और ये लेसन सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए है। देखो, एक इंसान सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है अपना करियर चूज करते समय, और ज्यादातर लोग अपना करियर डिसाइड करने के लिए दूसरों से सलाह मांगने जाते हैं और फिर किसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर कोई गलत करियर चूज कर देते हैं। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है चाणक्य का ये 3 question technique। एंड नॉट जस्ट करियर, अगर आप कोई गोल सेट करने के बारे में भी सोच रहे हो तो उसके लिए भी ये टेक्निक बहुत यूजफुल है। इन तीन सवालों के बाद इंसान को अपने अगले एक्शंस के लिए बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। लेसन नंबर 2, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि खुद गलतियां करके सीखने के लिए मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटा है। अब सोचो इस लेसन को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करने का बेस्ट तरीका क्या है। द आंसर इज कि आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ो, उन लोगों के इंटरव्यूज देखो और पता लगाओ कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में करी और अब आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। लेसन नंबर 3, सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि कभी भी अपने सीक्रेट्स किसी के भी साथ शेयर मत करो। नाउ पहले ये समझो कि यहाँ किस सीक्रेट के बारे में बात की जा रही है। कोई भी ऐसी बात जो सिर्फ आपको पता है एंड उस बात पर आपकी फ्यूचर रेपुटेशन, परफॉर्मेंस या लाइफ डिपेंड करती है, तो भूल कर भी ऐसा कोई सीक्रेट किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अपने ट्रेड सीक्रेट्स या अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सीक्रेट रेसिपीज और फॉर्मूलाज। एंड चाणक्य के अकॉर्डिंग अपने सीक्रेट्स रिवील करने का मतलब है सिंपली अपनी पावर और अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में सौंप देना। नाउ लेसन नंबर 4, अगर कुबेर भी अपनी आय से ज्यादा खर्च करे तो वो भी कुछ समय के अंदर ही कंगाल हो जाएगा। ये लेसन आपको सिंपली एक छोटी सी बात सिखाने के लिए कि किसी भी हाल में आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। जितनी भी आपकी इनकम है आपको अपना गुजारा और अपने सभी एक्सपेंसेस उस इनकम के दायरे में ही करने चाहिए। लेसन नंबर 5, जब तक अपने दुश्मन की कमजोरी ना पता लग जाए तब तक उस दुश्मन से दोस्ती बनाई रखनी चाहिए। इट्स सिंपल, अगर किसी से लड़ रहे हो तो मकसद उस लड़ाई को जीतने का होता है, हारने का थोड़ी। और जीतने के लिए दो चीजें पहले ही पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट अपनी एबिलिटीज एंड सेकंड अपने कॉम्पिटिटर की वीकनेसेस। एंड दोस्तों, इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट लेसन के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।